हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशा देवस किचन। जैसे कि आज होली का त्यौहार है तो स्पेशल तो कुछ बनता है, तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं छोले भटूरे की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम्स काबुली चना और उसे ओवरनाइट सोक करके रखा था। इसके बाद हम जो काबुली चना है उसे कुकर में ऐड कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इसे ढक्कन लगाकर 3 से 4 विसल तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो काबुली चना है वो बिल्कुल तैयार है, ये प्रॉपरली कुक हो चुका है। फिर हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सर जार, उसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर सीड यानी कि धनिया सीड, जीरा 1 टेबलस्पून और इसे हम अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें एकदम बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा दरदरा रखना है, तो इसी तरह से आपको पीसना है। और फिर हम पैन गरम कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल और जो हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो ऐड करके उसे 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉट कर लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें जिसे हमने चीर मारा हुआ है और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बॉयल्ड चना और जो स्ट्यू था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काबुली चना रखा था उसे मैश करके ऐड किया है और हम इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें स्वाद अनुसार। फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक्कन लगा कर अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमें लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेना है। 8 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो हमारा जो छोले है वो बिल्कुल तैयार रहेगा और आप इसमें चाहिए तो अनार दाना भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा स्वाद और अच्छा होगा। तो अब हम चलते हैं बनाने के लिए हमारे भटूरे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा, उसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, 1 चम्मच घी या तेल, नमक स्वाद अनुसार और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा शेप लेना चालू हो जाता है तो हम उसमें ऐड करेंगे दही, जो कि हमने इसमें ऐड किया है 1 कप प्लस 1/4 कप, जो कि 2 से 3 बैचेस में हमें इसे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ये डव बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने प्योर दही इसमें यूज़ किया है। हम इसे अभी अच्छे से नीड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से डव तैयार हो जाए इसका। आप जितना अच्छे से इसे नीड करेंगे उतना ही बढ़िया ये सॉफ्ट और फ्लफी डव बनेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डव है वो बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही कम अप्लाई करना है ऊपर से, और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए मलमल के कपड़े से ढककर रख देंगे ताकि ये डव जो है वो अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए। यहाँ पे हमारा जो डव है वो बिल्कुल तैयार है, हम इसे एक बार फिर से थोड़ा सा नीड कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें से छोटा सा पोर्शन लेकर इसका एक राउंड शेप बना लेंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा थिक सर्कल में इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। सो ये हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है, थोड़ा सा तीखा है ये, बहुत ही पतला नहीं है। इसके बाद हम इसे गरम तेल में फ्राई करने के लिए रख देते हैं, इसे हमें डीप फ्राई करना है। हमें इस स्पून की मदद से भटूरे को नीचे की तरफ पुश करना है ताकि वो अच्छे से फूले और उसे दोनों ही साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना। तो यहाँ पे हमारा भटूरे भी बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फुला हुआ है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और आप इसे सर्व कर सकते हैं छोले के साथ।
ये खाने में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसानी से आपने देखा हमने इसे बनाया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।